श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज गुरुदेव, हमने ऐसा सुना था कि सरयाती ऋषि की कन्या ने च्यवन ऋषि के आँख को फोड़ दिया था और वो बहुत वृद्ध अवस्था में देवताओं को प्रसन्न करके फिर युवावस्था प्राप्त कर लिए थे। सुखदेव जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, परीक्षित, महाराज मनु के पुत्र राजा सरयाति वेद शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज करते थे और अंगिरा गोत्र के ऋषियों से के यज्ञ से दूसरे दिन का कर्म करते थे। एक बार राजा अपनी कन्या के साथ, जिसका नाम सुकन्या था, वन में विहार कर रहे थे। वहीं पास में च्यवन ऋषि का आश्रम था। राजा अपने मंत्रियों के साथ और संतों के साथ बैठ कर के सत्संग कर रहे थे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई। उसने देखा, ऐसे ही संध्या का समय था, एक दीमक की बामी और उसमें से जुगनू के जैसा तेज रोशनी निकल रहा था। सहेलियों ने कहा, अरे अरे सखी, देखो तो सही, ये अद्भुत दिखता है। रजोगुणी बुद्धि तो था ही और अज्ञानता भी था। उन्होंने बोला, इसमें क्या है, प्रकाश निकल रहा है। बोले, थोड़ा इसको छेद करके देखा जाए। सुकन्या ने बोला, देखना क्या है, लाओ। एक लकड़ी लिया और उसमें छेद किया और वो लकड़ी सीधे जाके च्यवन ऋषि के आँख में लग गई। जय जय श्री राम। हजारों साल से तपस्या कर रहे थे और जैसे ही यो लगी, उसमें से खून की धारा निकलने लगी। अब तो राजकुमारी और सहेलियां चीखती हुई वहां से भागी आई। राजा सरयाती ने देखा, बोले, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? बोले, ऐसे ऐसे हो गया है। सरयाती ने कहा, कहीं तुम च्यवन ऋषि के? अरे सरयाती भयभीत हो गए। बोले, कहाँ है, चलो चलो। गए सरयाती तो डर के मारे, श्री राधे, कहीं ऋषि उठ गए और श्राप दे दिए तो सबका कल्याण हो जाएगा। महाराज सरयाती दंडवत प्रणाम करने लगे। उस समय ऐसा बताते हैं कि च्यवन ऋषि के इस कष्ट के कारण पूरे जितने लोग थे वहाँ सबके मल मूत्र बंद हो गए, सब घबरा गए। फिर महाराज सरयाती ने जाकर के प्रार्थना की, विलाप करने लगे। च्यवन ऋषि बांबी को तोड़ करके बाहर आए, देखे वो कुछ बोलते उससे पहले ही सरयाती ने क्षमा प्रार्थना करते हुए सारी बातें बता दी और बोले, ये रही आपकी दोषी, मैं आपको इसे समर्पण करता हूँ, ये आपकी सेवा करेगी, आपकी दासी, आपकी सेविका, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। च्यवन ऋषि बोले, राजन, बोले, नहीं नहीं, आप इसको रखिए। और राजा वहाँ से चले आए। अब सुकन्या ने मलहम पट्टी करना शुरू किया। च्यवन ऋषि ने कहा, देवी तुम चली जाओ। सुकन्या ने कहा, नहीं, अब आप हमारे स्वामी हैं,
मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने ईश्वर को साक्षी मान के आपको पति के रूप में वरण कर लिया है। सुकन्या च्यवन ऋषि की बहुत सेवा करती, सेवा से प्रसन्न हो करके च्यवन ऋषि के मन में आया, मैं जीर्ण शीर्ण वृद्ध और ये कुमारी सुकन्या है। च्यवन ऋषि ने चिंतन किया और वहाँ पे अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। च्यवन ऋषि ने कहा, अश्विनी कुमारो, तुम लोग यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हो, तुम हमारा ये कार्य सिद्ध कर दो जिससे मैं सुंदर और बलवान हो जाऊं, जिससे हमें हमारी पत्नी बहुत प्रिय हो जाए, वो हमें बहुत प्रेम करे। अश्विनी कुमारों ने सिद्धों के द्वारा बनाए हुए कुंड में स्नान करवाया, उससे उनका शरीर दिव्य और बलवान हो गया। उसके बाद उन्होंने दिव्य रसायन का सेवन करवाया, जिससे च्यवन ऋषि का बल वीर्य पुष्ट हो गया। च्यवन ऋषि महाराज सरयाती के पास आकर के यज्ञ करवाया और सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवा के अश्विनी कुमारों को सोमपान करवाया। उससे इंद्र बड़े क्रोधित हुए, तो च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से इंद्र का वज्र और हाथ दोनों ही स्तंभित कर दिया, जिससे इंद्र अश्विनी कुमारों को मार न सके। उसके बाद अश्विनी कुमार को देवताओं की श्रेणी मिल गई। इस कथा को जो श्रवण करता है, चिंतन करता है, पढ़ता है, उसके नेत्र कभी नहीं नष्ट होते हैं। ये मंत्र है एक, सृजातश्च सुकन्याश्च च्यवनं च सक्रमणि भोजनान्ते अस्मरेत नित्यं तस्य नेत्रं न नश्यति। जो इस मंत्र का भोजन के उपरांत, भोजन के बाद चिंतन करके मुंह में पानी भर के अपने आँखों को छीटा देते हैं, उनका आँख की रोशनी कभी भी नष्ट नहीं होता। एक राजा के एक भगत हैं, उन्होंने बोला, महाराज जी, मेरी आँख की रोशनी बहुत हाई लेवल में चली गई थी, चश्मा लगा मोटा मोटा, अब बोले कि हमारा 1.5 पॉइंट कम हो गया है। और रोज़ इस मंत्र को करते हैं। ये कथा भी मैंने इसीलिए आपको सुनाया है।